कल बताए थे साइन कास टैन सेक काट और कोसेक का फार्मूला, लंब कर्ण आधार का फार्मूला। अब ये एग्जाम्पल एक लेते हैं, दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर एक, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी बनाइए। एबीसी में कोण बी समकोण है, तो ये बी पहले लिख दीजिए यहाँ और ये 90 अंश लिख दीजिए, समकोण हो गया। अब यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ भी सी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ भी सी लिख सकते हैं। चलिए आसान में लिख देते हैं, ए बी सी हो गया। अब देखिए कोण बी समकोण हो गया, ए बी बराबर 3, ये ए बी 3 दिया हुआ है, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए मैं पहले ही बताया था, थीटा यदि यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा जो ये आ रही है लंब होगी, ये सी है, हम साइन सी भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन ए का मान पूछ रहा है तो ये एंगल है, इसके लिए एक तरह से ऐसे समझ लीजिए ये घूम गया। अब एक साइन ए, अब ये हो गया आपका आधार, अब ये त्रिभुज इस पे टिक गया, ये हो गया लंब। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि कोण ए के लिए केवल साइन ए पूछ रहा है, आप टोटल निकालेंगे, साइन ए कासे टैन ए से के कोसे काटे सब जितना है सब निकालेंगे। कोण ए के लिए, कोण ए के सामने वाली भुजा है बी सी, ये है लंब, लंब क्या हो गया 4, आधार क्या है 3, और कर्ण नहीं बदलता है वो है 5। अब जो भी पूछे, साइन ए साइन सी पूछता है तो ये कोण ए के लिए है, सॉरी साइन ए लंब 4 और कर्ण 5, कास ए टैन ए काट ए सेक ए कोसेक ए, आप सबका फार्मूला रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, अब इसके कोण सी के सामने वाला लंब होगा यानी कि ए बी लंब होगा, तो लंब हो जाएगा ए बी जो दिया हुआ है 3 या 3, आधार है 4, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण है 5। अब आप साइन ए साइन सी निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण से, जो फार्मूला बताया गया है, साइन सी कॉस सी टैन सी काट सी सेक सी कोसेक सी, ये आप जो भी है सब निकाल सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है साइन ए बराबर 3/5, ये एग्जाम्पल देखिए दिया है, अब उसको यहां देखिए, साइन ए बराबर 3/5, तो पूछ रहा है टैन ए और कास ए की वैल्यू, तो मैं बताया हूं टैन ए निकालना हो कास ए निकालना हो तो देखिए साइन ए बराबर 3/5 बराबर लंब बटे कर्ण, अब यहां लंब आ गया आपका 3, कर्ण आ गया 5, यानी कि लंब और कर्ण है तो आधार आपको निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर जो फार्मूला है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16, अब आधार जब निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कर्णी में 16 बराबर 4। अब जो भी पूछे, यहाँ टैन ए और कास से पूछ रहा है
टैन ए बराबर लंब बटे आधार, और आप फार्मूला रखेंगे मान यहाँ वैल्यू निकल जाएगी। टैन ए और कास ए बराबर होता है, आप जानते हैं बताया गया है, आधार बटे कर्ण। वैल्यू निकालेंगे मान आपके सामने होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन में फिगर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी में, फिर बनाइए त्रिभुज एबीसी। कोण बी सम कोण है, कोण बी 90 अंश है, यानी कि ये जो बी है उसको 90 अंश पहले कर देंगे। अब सी यहाँ लिखिए, ए यहाँ लिखिए, ये लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। ए बी बराबर बी सी, ए बी जो ये है और ये है, यानी कि ए बी और बी सी ये दोनों बराबर है, ए बी और बी सी ये दोनों बराबर है। कह रहा है साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, तो ए बी भी एक्स हो जाएगा और बी सी भी एक्स हो जाएगा। यानी कि यदि देखा जाए तो ये लंब एक्स है और आधार भी एक्स है। अब कर्ण निकालना पड़ेगा तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है आपके पास लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लंब भी एक्स है और आधार भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि यदि एक्स स्क्वायर के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो कम से कम एक एक्स स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है ना, वन एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर का मान। अब कर्ण का मान निकालने के लिए हम वर्गमूल निकालेंगे टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा एक्स, और टू चूँकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कर्णी में दो ही रहने देंगे। अब जो भी मान पूछ रहा है यहाँ देखिए, पूछ रहा है साइन ए और कास ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर, अब लंब क्या है यहाँ देखिए एक्स, लंब आपका ए बी है एक्स है, तो एक्स और बटे कर्ण क्या आप निकाले हैं, एक्स कर्णी में दो, एक्स एक्स कट गया, एक बटा कर्णी में दो हो गया। कास ए, कास ए होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहां आधार भी एक्स है और कर्ण तो एक्स कर्णी में दो निकाला गया है, तो वन बाई रूट टू हो जाएगा। समझ में आई बात, यदि ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं निशन कोच। अब देखिए यहां अगला एग्जांपल दिया है टैन बी बराबर रूट थ्री, टैन बी बराबर रूट थ्री। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। सबसे पहला तरीका जो हमने यहां समझा है, टैन बी बराबर कर्णी में तीन बाई वन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये हो गया। तो किसी भी अभी बताया मैंने बार बार ये चीज बताई जा रही है, बता रहा हूं कि ये लंब और आधार और कर्ण तीनों की जरूरत पड़ती है, लंब कर्ण और आधार तीनों की जरूरत पड़ती है। तो लंब हो गया यहां रूट थ्री, आधार हो गया वन, अब आपको निकालना है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर वही फार्मूला है तो याद हो गया होगा, इतनी बार बोल दिया हूं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, याद हो गया होगा, इस पर विशेष ध्यान दें, मोबाइल चालू करके और ध्यान इधर उधर न लगाएं, अपने उस पर ध्यान लगाएं तो केयर करेंगे। तो आर चलिए अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का अब स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब रूट थ्री के स्क्वायर में हम यहाँ आते हैं, स्क्वायर मतलब हमने बताया है कि उसी में उसी का गुणा, तो कड़ी में तीन का कड़ी में तीन में गुणा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हम तो रूट नाइन आता है, वर्गमूल निकाल देते हैं थ्री आ जाता है, यहाँ हम थ्री लिखेंगे। अब ये अलग बात है कि कर्ण कहते हैं कर्णी में तीन का, यदि कर्णी में तीन में हम गुणा करते हैं तो कर्णी हट जाती है, ये केवल कहने की बात है, हटती कैसे है, उसका गुणा होता है वर्गमूल निकलता है इसलिए हटता है, बात समझ में आई। अब यहाँ
थ्री और वन का स्क्वायर वन, ये आ गया फोर। अब यहां हम कर्ण बराबर कर्णी में फोर, इसका अब निकल जाएगा दो। अब आपके पास लंब हो गया रूट थ्री और आधार वन और कर्ण आपने निकाल दिया दो। अच्छा, अब जो भी पूछे साइन बी कास बी टेन बी सेक बी कोसेक बी जो भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन बी बराबर फार्मूला वही रहेगा, साइन बी रहे चाहे साइन ए रहे साइन साइन सी रहे, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है रूट थ्री और कर्ण क्या है दो। साइन बी पूछ रहा है और कास भी पूछ रहा है, कास भी आधार आधार है आपका वन और कर्ण है दो, वन बाई टू। ये अब चीज दूसरा तरीका जरा मैं बता रहा हूँ। अब ये दूसरे तरीके में हमको वैल्यू जानना पड़ेगा। देखिए होता है जीरो वंश, तीस अंश, पैंतालीस अंश, साठ अंश और नब्बे अंश। तो यहाँ हम सबसे पहले साइन के लिए देखते हैं और कास के लिए देखते हैं। साइन जीरो तीस एक ही बार सबकी वैल्यू निकलेगी, साइन और कास की केवल। जब साइन कॉस की निकल जाएगी तो सबका निकल जाएगा, वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा। केवल इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक आसान तरीका जो यदि सब वैल्यू पता हो तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जीरो वन टू थ्री फोर, कास के लिए इधर से लिखिए जीरो वन टू थ्री फोर, फोर से भाग दीजिए सब में, सब में भाग दिया जा रहा है। देखिए बाय फोर मैं लिख रहा हूँ, बाय फोर मतलब भाग देना होता है। अब सबका वर्गमूल निकाल दिया जाएगा, अब सीधे वैल्यू निकलेगी आपकी। देखिए जीरो बाई फोर जीरो, जीरो का वर्गमूल जीरो, यानी कि साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। वन बाई फोर, वन का वर्गमूल वन स्क्वायर रूट और फोर का टू, वर्गमूल का ये स्क्वायर रूट ये एक ही बात है। अब साइन तीस अंश का मान एक बटा दो होता है, दो दूना चार कट गया, ऊपर हो गया वन, वन का वर्गमूल वन, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वहीं रख देंगे रूट टू, यानी कि साइन पैंतालीस अंश वन बाई रूट टू। थ्री का निकलेगा नहीं रूट थ्री रहेगा और चार का निकल जाएगा दो, यहाँ हो जाएगा दो रूट थ्री बाई टू। साइन साठ रूट थ्री बाई टू, फोर से फोर कट गया वन, साइन नब्बे हो जाएगा वन। अब कास पे आइए, उल्टा चलता है, कास जीरो वंश का मान कट गया वन आएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री बाई चार का वर्गमूल दो, ये दो से दो कट गया वन बाई रूट टू, ये हो जाएगा वन बाई टू, ये हो जाएगा जीरो। अब देखिए कुछ वैल्यू बराबर होते हैं, जो साइन जीरो का मान होगा वही कास नब्बे का मान होगा, जो साइन तीस का मान होगा वही कास साठ का मान होगा, और एक ऐसा भी एंगल आता है जहां साइन और कास दोनों बराबर होते हैं, वो मैं लिख दिया हूं यहां पैंतालीस अंश पे, यहां देखिए दोनों बराबर हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए मैं समझा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। टैन बी बराबर दिया है रूट थ्री। अच्छा अभी इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अभी मैं समझाऊंगा नहीं, इसलिए कि साइन और कास का जब वैल्यू निकल गया तो टैन की वैल्यू भी निकलेगी। अब उसका तरीका है वो चैप्टर आने पर हम बाद में बताएंगे, फिलहाल नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर पांच बटा तेरह, साइन थीटा बराबर पांच बटे तेरह
तो कास थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। तो आप जो वही करेंगे जो करते आए हैं, 5/13। अब आप बताइए साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे कर्ण, उसको लिखिए लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13। अब निकालना क्या पड़ेगा, आधार, यानी कि आधार स्क्वायर ही निकलेगा, फिर आधार निकलेगा 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 169 - 25 घटाएंगे आ जाएगा 144 आधार स्क्वायर, आधार बराबर। अब इसका हम 144 का वर्गमूल निकाल देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए 144 का, दो दो पे जोड़ा लगाइए, ये 12 ही आएगा। अब कास थीटा टेन थीटा जिसका भी मान पूछे, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा, लंब बटे आधार, आप फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कास थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। साइन ए बराबर 1/3, तो कास और टेन ए का भी आप मान निकाल सकते हैं। पिछला एग्जांपल को यदि समझे हैं तो सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फार्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति, फार्मूला का गढ़। अब इसको समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। देखिए दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर 2/1 बराबर कोसेक थीटा, और क्या होता है आप बताइए, कर्ण बटे लंब। अब आधार निकालिए, तीनों चीज चाहिए तभी आप किसी भी अनुपात का मान निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 4 - 1 = 3। आधार बराबर √3। अब जो पूछ रहा है उसका मान निकालेंगे, पूछ क्या रहा है, 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा। ध्यान देंगे यहां टेन थीटा साइन थीटा और कास थीटा की बात कर रहा है, तो यहां मान लिख लीजिए कि लिखने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहां पर है 1 और आधार निकाला गया है 3, यानी कि 1/3 या 1/√3। अब क्या है साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है 2, यानी कि 1/2। कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार दिया है कर्ण में 3 और कर्ण दिया है 2, यानी कि √3/2। अब यहां मान भरा जाए, 1/10 थीटा 1/√3 प्लस, मेन प्लस यही है। अब जो ये है इसको लाइन को हम खींच देंगे, साइन थीटा क्या है 1/2 और कास थीटा क्या है, अब 1/1 प्लस कास थीटा क्या है √3/2। इसको यहां लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब आगे देखें ध्यान से, एक ये भागा है तो 1/√3 है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये पलट जाता है, √3/1 हो जाएगा प्लस ये 1/2। अब बाई इसको पहले सॉल्व किया जाए, 1 और 2 का LCM ले लेंगे 2 और 2 बन जा 2 और प्लस ये कट जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। अब यहां आ जाएगा आपका √3 प्लस, अब ये 1/2 ये भागा है तो ये है, जब ये मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 2/2 + √3 हो जाएगा। अब ये आपका 2 से 2 कट गया, अब ये √3 प्लस 1/2 + √3 बच गया, अब 1/2। अब फिर हम LCM लेंगे, यानी कि 2 + √3 आपका LCM आ जाएगा। जरा हम LCM लेने पर बात करते हैं एक बार, कि LCM लेने के बाद हम जिसका जिसका लिए हैं अब इस पर आते हैं, तो इसे भाग देंगे
तो 1 से भाग देंगे तो वही नंबर यही आ जाएगा 2+√3। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखते हैं हम रूट थ्री का मल्टीप्लाई करना है 2+√3 में, और प्लस ये पूरा इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा और 1 बन जाए 1, सीधी सी बात। अब हम इसका गुणा करेंगे, इसमें इसमें करेंगे गुणा, 2√3 हो जाएगा 2√3। अब प्लस अब इसका इसमें भी करेंगे, तो अभी अभी बताया गया था कि रूट थ्री में रूट थ्री का गुणा करते हैं तो कर्णी हट जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। कैसे हटता है, इसमें गुणा करके तो रूट ये रूट नाइन हो जाएगा, और रूट नाइन का मतलब 3, वर्गमूल निकाल देंगे 3 हो जाएगा, और ये प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नीचे 2+√3 आपका ऑलरेडी वो चला आ रहा है यहाँ से, अब ये 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस 2√3 बाई 2+√3। इसमें से देखिए कॉमन है, 2 दोनों में है, मैंने 2 से ये 4 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, हम 2 बाहर ले लेंगे, जहाँ 2 बाहर लिए अब भाग देंगे, इसमें 2 आएगा और प्लस रूट 3 बाई 2+√3। अब इससे 2+√3 से कट जाएगा, और कई बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 से 2 को काट देते हैं और रूट 3 से रूट 3 को काट देते हैं, ये गलत है, ये पूरे से पूरा कटेगा, कभी 2 से 2 नहीं कटता। कभी कभी ये होता है कि 2+3 लिखा है और नीचे 3+2 लिखा है, तो 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, बराबर वो लिखते हैं, ये टोटली रॉन्ग। 2+3, 3+2 जो भी है अंक है तो जोड़ेंगे तभी काटेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ x+y लिखा है और नीचे x+y लिखा है, आप x से x को काट दिए, y से y को काट दिए, बराबर वन लिख दिए, ये गलत है, ये कोष्टक में आएगा, ये जब भी कटेगा पूरे से पूरा कटेगा, बात समझ में है। अब फिर अपने आ जाएं अपने जगह पे, तो इसका आंसर आ गया 2, बात समझ में आई, नहीं समझ में आए फिर बताएं, फिर चर्चा होगी इस पे। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, क्वेश्चन कह रहा है, एग्जांपल नंबर 9 है, 3 sin A = 4 cos A, तो निकालना है साइन ए, तो ध्यान दीजिए साइन ए निकालना है, साइन ए बराबर फोर कास ए बाई ये 3 नीचे आ जाएगा। देखिए जब ये मल्टीप्लाई बराबर के इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और यदि प्लस इधर बराबर के इधर जाए तो माइनस हो जाता है, माइनस यदि इधर जाए तो प्लस हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, 3 sin A बराबर 4 cos A, तो हम क्या करते हैं कि cos A cos A cos A cos A cos A, अभी क्यों कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। 3 3, देखिए यहाँ से cos A cos A कट गया, यहाँ से 3 3 कट गया, sin A by cos A, tan A होता है, फिर फार्मूला वाले लिस्ट में आप चलें, sin theta by cos theta बराबर tan थीटा, और या tan थीटा बराबर sin theta by cos theta। अब cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cos theta by sin theta। अब आए यहाँ बराबर ये आ गया 4/3 आ गया। अब फिर वही काम, आप ये लंब बटे आधार आपको मिल गया, अब आप किसी का चाहें तो मान निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार जब मिल गया तो अब आप निकालेंगे कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = 16 + 9 = 25, कर्ण = 5।
अब देखिए यहाँ का से पूछ रहा है, आप का से निकाल सकते हैं आधार बटे कर्ण से टाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी निकाल सकते हैं लेकिन इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि टेन ए का होल स्क्वायर और माइनस साइन ए, सॉरी टेन ए लिखा गया, साइन ए का होल स्क्वायर। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है चार आधार है तीन, यानी कि चार बटे तीन का होल स्क्वायर माइनस साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब लंब देखिए यहाँ चार है और कर्ण आपका निकला है पाँच, यहाँ देखिए पाँच, यानी कि चार बटे पाँच का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर किया जाए, चार का होल स्क्वायर सोलह, तीन का होल स्क्वायर नाइन, माइनस चार का होल स्क्वायर सोलह बटे पाँच का होल स्क्वायर पच्चीस। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, पच्चीस और नौ, कह दी नौ समझ में, तो लिख के निकाल लेते हैं, 25 में 9 का गुणा कर देंगे, दो पाँच हो जाएगा। अब 25 का 16 में गुणा करेंगे, 16 पच्चे 80, मैंने अब 9 से भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। अब इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 16 पच्चे 80 और 16 दुना 32 60 40, ये आ गया 400 और माइनस 16 नवा 144, मैंने इससे करेंगे तो 9 बार जाएगा और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए आप, 10 में से 4 जा 6, 9 में से 4 जा 5 और यहाँ 3 में से 1 जा 2, 256 बटे 225 आपका क्या आएगा, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में। अब जरा बुक में ध्यान दिया जाए, देखिए बुक में साइन ए कास ए टेन ए सेक ए जो भी है ये निकाला है, यहाँ तीसरा में पूछ रहा है टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर जो हमने यहाँ बताया है, लेकिन यहाँ ये निकाल दिया है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो आप कन्फ्यूज ना हो कि हम आपका आंसर अलग आ गया। चलिए टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, टेन स्क्वायर ए यहाँ टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर पूछ सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर पूछ सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर पूछ सकता है, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर भी पूछ सकता है। चलिए इसको देखते हैं, हाँ तो ये कुछ आवश्यक कार्य पर जाने के कारण आज इसको यहीं स्थगित करते हैं, फिर कल यहीं से शुरू करेंगे एन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। एक बार फिर कहते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको जो भी सूत्र बताए गए हैं वह सूत्र याद होने चाहिए। हमने सूत्र क्या आपको बताया है अभी, साइन कॉस टैन सेक कोसेक काट, इसका उल्टा क्या है, साइन का उल्टा क्या है, कास का उल्टा क्या है, सेक का उल्टा क्या है, कास का उल्टा क्या है, ये सब हमने बताया और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर हम 9 बता दिए हैं, तो चूंकि यहाँ टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो अब इसकी चर्चा हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।